मैं आपको एक किस्सा बताता हूँ एक्चुअली क्या हुआ, मैं उस टाइम पे 10th स्टैंडर्ड में था। तो 10th स्टैंडर्ड में जब था तो ना, तब टीवी था हमारे घर में, उसमें रिमोट नहीं था, ठीक है, और सिर्फ दूरदर्शन आता था। और सबको पता है कि दूरदर्शन बहुत ही पवित्र चैनल है, ठीक है, बहुत अच्छा चैनल था। और पवित्र चैनल था नहीं था, इंटीमेसी नहीं थी उसमें इतनी। तो अब क्या हुआ कि दूरदर्शन पे मेरे फादर जब भी आते थे, यू नो, मेरे फादर मतलब बहुत सिद्धांतवादी हैं, मैं उनकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। और क्योंकि मैं बहुत सिद्धांतवादी हैं वो, और मैं उनकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, तो देर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन माई फादर एंड मी, ठीक है। तो हम लोग ये सेक्स वेक्स पे इतनी बात, मतलब सेक्स में बोल दूँ मुँह से वो भी बहुत बड़ी बात, और मैं 10th स्टैंडर्ड में था, मुझे इतना कुछ पता भी नहीं था, मैं फ्रेंकली स्पीकिंग। तो हुआ कुछ यूँ कि उस टाइम पे कुछ इलेक्शंस हुए थे, रिजल्ट आए थे, और भाषणबाजी चल रही थी पॉलिटिशियंस की। तो मेरे फादर टीवी देख रहे थे, पॉलिटिशियंस की भाषणबाजी चल रही थी, और अचानक से क्या होता है वहाँ पे एक निरोध का, पता नहीं मैं ये शब्द कैसे बोल पा रहा हूँ, बट इसका ऐड आया, ठीक है। और आज मैं चाहता हूँ कि मैं इसके बारे में खुल के बात करूँ, आप चाहे इसको किसी भी वे में लें, लेकिन बात करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एज अ ब्रदर, ठीक है। आप उसे किसी भी वे में लीजिए, भाई की तरह या किसी भी तरह से। एक ऐड आया निरोध का, मैं छोटा सा बच्चा था, और भाई रिमोट तो था ही नहीं ना, मैं उसे बंद कैसे करता, हालांकि मैं सबसे आगे बैठा हुआ था और मेरे फादर पीछे बैठे हुए थे। तो अचानक से क्या हुआ, ऐड आया, वो चल रहा था, पॉलिटिक्स का स्पीच चल रहा था, अचानक से जब निरोध का ऐड आया तो मेरे फादर के हाथ में ना नींबू था तो उन्होंने क्या किया, मेरे सिर पर जोर से मारा था और मैंने कहा, मैंने पीछे मुड़ के देखा भाई क्या हुआ मेरे फादर कहते हैं, तुझे शर्म नहीं आती, तूने बंद क्यों नहीं किया उसको, या आवाज धीमी क्यों नहीं करी। मैंने कहा मेरी कहां गलती है, मतलब मुझे क्या पता था कि ऐड आने वाली है, मतलब एक इतना ज्यादा टैबू, आर यू ट्राइंग टू अंडरस्टैंड, कि आज मैं अगर बोल भी पा रहा हूं तो मुझे भी हेजिटेशन फील हो रही, मतलब तो यही समझ में नहीं आता कि इंडिया में 138 करोड़ की जनसंख्या हुई तो हुई कैसे। देखा आपने लापरवाही का नतीजा, मजा आया। और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ।